अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं हर पल आप सबके साथ हैं। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे जी। तो दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आप सबके लिए मैगी ऑमलेट की रेसिपी। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। और साथ ही सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैगी ऑमलेट बनाने के लिए हमें जो औजार चाहिए होंगे, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। हमें चाहिए होगा एक पैकेट मैगी का, एक अंडा, आधी प्याज, आधी टमाटर, एक हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च, नमक, जर्दे का रंग, कुकिंग ऑयल और थोड़ा सा पानी। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक बर्तन में एक कप भर के पानी डालना है। पानी उबलने लगे तो आप इसमें मैगी शामिल कर दें। मैगी शामिल करके साथ ही हम इसमें जो मैगी मसाला है उसे शामिल करेंगे। मसाला शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसको धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम ऑमलेट तैयार करते हैं। ऑमलेट के लिए हमने सबसे पहले एक बर्तन में अंडा डालें। अब हम इसमें बारीक कटी प्याज, बारीक कटी टमाटर, बारीक कटी हरी मिर्च और हरा धनिया शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए जनाब, मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखें, सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें एक चुटकी जर्दे का रंग शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, हसब ज़रूरत नमक डालेंगे और हम इसमें पिसी हुई काली मिर्च और चाट मसाला शामिल कर देंगे। तमाम मसाले शामिल करने के बाद हम इसको फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम मसाले, सब्जियां और अंडा अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमें सबसे पहले एक पैन में ऑयल गरम करना है। अब हम इसमें अंडा डालेंगे। अंडा डालकर हम तमाम चीज़ों को अच्छे से फैला लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से फैला लिया है। अब मैं इसे ढककर पकने के लिए छोड़ दूंगी। 5 मिनट तक हमने इसे पकाना है जी जनाब। तो 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक करेंगे। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सा खूबसूरत ऑमलेट तैयार हो चुका है। खुशबू भी आ रही है और साथ ही हमने जो मैगी पकने के लिए रखी थी वो भी तैयार हो चुकी है। अब हम मैगी को निकाल लेंगे और इसे हम ऑमलेट के एक तरफ डाल लेंगे। ऑमलेट की एक तरफ मैगी अच्छे से फैलाने के बाद हम ऑमलेट को फोल्ड कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता और कुछ देर के लिए पका लेंगे। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मैगी ऑमलेट तैयार हो चुका है। बहुत मज़े का है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह फिर हाजिर।